और 20 लीटर पर डे पर पर्सन का पानी बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो 20 लीटर पानी पर पर्सन पर डे साफ पानी लोगों को, जहां पहले टैंकर आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जहां ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल का पानी गंदा आया करता था, लोग गंदे पानी से परेशान थे, ऐसे सभी इलाकों के अंदर अभी हमने पायलट किया है। दिल्ली के 2-3 इलाकों के अंदर ही पायलट किया है, 4 इलाकों में, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। अब पूरी दिल्ली में जहां जहां झुग्गी बस्तियां हैं या जहां जहां वाटर टैंकर रेगुलरली जाते हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती, वहां इस तरह के वाटर एटीएम लगा के हर परिवार, हर व्यक्ति को ऐसा कार्ड दे दिया जाएगा और कार्ड के जरिए वो पानी ले सकते हैं। परिवार को दिया गया है या पर पर्सन? 2000 दे चुके हैं, 2000 परिवारों को दे चुके हैं, 2000 पर। हाँ जी, एक वाटर एटीएम अभी 4 शुरू हो चुके हैं और लगभग 500 के करीब पाइपलाइन में है, 500 के करीब पहले फेज में लगाने हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर कर दीजिए, आपने बोला पर पर्सन 20 लीटर, तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, ये एक पांच कार्ड पर पर्सन कार्ड दिया जा रहा है, पर पर्सन कार्ड दिया जा रहा है। मणिपुर का मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट, चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, उस पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के बयान जारी करने की मांग हो रही है, देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।